नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज मैं लेके आई हूँ फेस्टिवल से रिलेटेड बेडरूम मेक ओवर, और ये मेक ओवर बहुत सिंपल होने वाला है, बजट में होने वाला है, रेंटेड अपार्टमेंट्स के लिए बेस्ट है, ज़्यादा आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, इवन बेड भी नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का बेडरूम मेक ओवर हमने किस तरीके से करना है इंडियन स्टाइल में। सबसे पहला जो काम हमने किया है इसको इज टू पेंट द रूम बाय आवरसेल्व्स। एंड गाइस, पेंटिंग इज अ टास्क। अगर आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो मत ही करना, ज्यादा बेटर होगा। सो एक ये ग्लिम्स देख लो। कुछ इस तरीके से अभी वॉल्स लग रही हैं स्मॉल बेडरूम की बिफोर द मेकओवर। यहाँ पे एक्चुअली कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा है, बट वॉल्स बहुत ही ज़्यादा स्टेन्ड हैं। ये गेस्ट रूम छोटे साइज का है कंपेयर टू अदर रूम, सो हमने सोचा कि इसको खुद ट्राई करके देखते हैं पेंट करने का। बट यार, फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना टायरिंग एक्सपीरियंस था, इसीलिए बोल रही हूँ अगर आप बिगनर हो पेंटिंग में, कोशिश करो मत ही करो, प्रोफेशनल्स को हायर कर लो, दैट विल मेक योर वर्क इजी। जो बेडरूम मेकओवर मैंने किया है इट्स काइंड ऑफ अ कोजी बेडरूम मेकओवर। मैंने वॉल्स पे कुछ नहीं किया सिंस अभी पेंट किया है वॉल्स पे, सो मैंने अभी कोई वॉल पे फ्रेम्स वगैरह नहीं लगाए हैं, बिकॉज अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी वॉल्स बिल्कुल अच्छी व्हाइट व्हाइट लग रही है, न्यू जैसी लग रही है, सो आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दैट ओनली फॉर सम टाइम। रूम पेंटिंग के बाद स्मॉल बेडरूम मेकओवर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, वॉल पेंटिंग के बाद जो मेस पड़ता है ना, ओ माय गॉड। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले अच्छे से कॉलिन से स्प्रे करके पूरा घर को, कमरे को डीप क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, अलमीराज वगैरह, इवन फ्लोर को मैं अच्छे से कर रही हूँ। यहाँ पे हाल देख रहे हो, हर जगह पेंट गिरा हुआ है, उसको रब करने में, निकालने में अलग मेहनत लगती है। सो बेटर है अर्बन क्लैप से या किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो, जो कि आपको बाद में क्लीन करके भी देंगे, आपका इतना टाइम नहीं लगेगा। सो मैंने यहाँ पे पेंट करने से पहले वाइट पेंटर्स टेप जो होती है वो भी यूज़ करी है, सो वो अब रिमूव करने का टाइम आ गया, बट वो भी इतनी हेल्प की नहीं थी। यहाँ पे आप देख रहे हो इस कर्टिंग्स में फिर भी पेंट लग गया है, इवन मैंने वो स्विच बोर्ड्स पे भी यूज़ करी है, बट फिर भी स्विच बोर्ड्स पे भी पेंट लगा है। सो वो धीरे धीरे जाके मैं क्लीन करूँगी बाद में। वॉल्स पेंट होने के बाद जो एक रूम की फ्रेश खुशबू होती है, पेंट की खुशबू की बात नहीं कर, बट जो एक रूम लुक देता है ना, एकदम ब्राइट एंड बिल्कुल खिला हुआ सा रूम की लुक देता है, वो वैसे ही दिल को खुश कर देता है। यहाँ पे हम एक्चुअल बेड ना रख के हम मैट्रेसेस का बेड बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे मैट्रेसेस पे कवर है, बट सिंस मुझे थोड़ी सी डस्ट एलर्जी है, उसके लिए मैं यहाँ पे सिंगल बेडशीट जो कि कॉटन बेडशीट है उसको एज अ डबल कवर यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज इससे क्या है कि कॉटन की बेडशीट से आपको डस्ट थोड़ी कम लगती है, आप इनको ईजिली वॉश कर सकते हो जल्दी, एंड फिर से आप इनको बिछा भी सकते हो। इस तरीके के मैट्रेसेस कवर आते भी हैं, बट आप अगर उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो इस तरीके से आप अपनी प्लेन वाइट बेडशीट्स, हम लोगों के घरों में होती ही हैं जो कि स्पेयर इसी तरीके से पड़ी होती हैं, वो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, सो यू डो नॉट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा फॉर दैट। उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल बेडशीट ऑलरेडी एक और बिछा दी है, अगेन दिस इज़ अ कॉटन बेडशीट एंड मैंने फ्लोरल प्रिंट यूज़ किया है, एंड वॉल पे एक और मेरी एक एंगेजमेंट की फ़ोटो मैंने लगा दी है सिंस दिस इज़ अ बेडरूम। नाउ हम बैकरेस्ट बनाने जा रहे हैं, सो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कुशंस यूज़ करने वाली हूँ, दीज आर 24 इंच कुशंस। सो इनके जो कवर्स हैं वो मैंने होम सेंटर से लिए हुए हैं, कुशंस ऑलरेडी मेरे पास थे। यहाँ पे ये कर्टन्स DIY कर्टन्स हैं, और इसका प्रोसेस क्या है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो गाइस, DIY कर्टन बनाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट आइडिया इज़ दिस, एक तो हमारे पास यहाँ पे बड़ी फर है, ये अराउंड 7 फीट है जितना नॉर्मल पर्दे की हाइट होती है। यहाँ पे मैं बुक रिंग्स यूज़ कर रही हूँ, एंड कुछ कट करने के लिए एक मैंने शार्प चीज़ ले ली है। सो यहाँ पे करना क्या है कि आपको जस्ट इस तरीके से होल करना है एंड उसमें रिंग्स अटका देनी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके, अराउंड 2 ईयर्स तक तो मैंने इसी तरीके से यूज़ किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको वॉश कर सकते हो, मशीन वॉश कर सकते हो, आपकी जो फर है वो कट भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, एंड बहुत ईजिली आप यूज़ भी कर लोगे। नाउ व्हाई आई एम यूजिंग फर इज़ मेरे पास ये ऑलरेडी थी, मुझे किसी और प्रोजेक्ट के लिए मैंने ली थी, बट मैं उसमें यूज़ नहीं कर पाई, वो प्रोजेक्ट एक्चुअली मैंने बनाया ही नहीं। नाउ अब बारी आती है सेकंड मेथड की, जिससे आप अपने DIY कर्टन्स बना सकते हो। फर्स्ट उसके लिए हम ये बुक रिंग्स निकाल देते हैं। मैंने यहाँ पे इवन पर्दा भी वॉश कर लिया है, पर्दा नहीं बोलूँगी, फर है एक्चुअली ये, जो वॉश कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ प्रॉपर कर्टन आईलेट्स, एंड इसके लिए मैंने ये गोल्डन आईलेट्स लिए हैं जिनके साथ इनके पीछे हुक आए हैं, क्या कहते हैं इसको मेरे को नहीं पता, बट या इसकी कैप आई है साथ में इनको अटैच करने के लिए। सो मैं इनको प्रॉपर प्लेसिंग दे रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक लेयर लगती है जो वो नहीं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा फ्री फ्लोइंग चाहिए।
सो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ इसको जिस तरीके से ये रिंग में चले जाएँ। सो आप ये प्रोसेस फॉलो करके आप बहुत इजीली अपने घर पे कर्टन्स बना सकते हैं, बेडशीट से बना सकते हैं। आपके पास कोई क्विल्ट है जो आपको बहुत सुंदर लगती है, आप उसके भी कर्टन्स विंटर के लिए बना सकते हैं। सुंदर लगते हैं यार इस तरीके के फर वाले कर्टन। बेडरूम इज़ अ प्लेस टू रेस्ट रिलैक्स, उसको उसी तरीके से रखा है मैंने। इट शुड बी अ कोजी रिलैक्सिंग प्लेस विदाउट एनी हसलिंग थिंग्स। है तो एज अ ड्रेसिंग टेबल बट मैं इसको एज अ बुक शेल्फ यूज करती हूँ जिसका कुछ इस तरीके से हाल है। नीचे ड्रॉर्स हैं जिसमें कुछ मिसलेनियस चीजें पड़ी हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट आती है गाइस। सो इस तरीके से मैंने अपने कुछ बेड को कोजी रखा है। एक सेम कलर का रग रखा है छोटा सा जिसपे कि मैंने कुछ बुक्स रखी हैं बिकॉज दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रीडिंग कॉर्नर एज वेल। अगर आप लोग जमीन पे बैठते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बैठ के रीड हो सकता है। मैं मोस्टली काम अपना जमीन पे बैठ के करती हूँ, आलती पालती मार के, विच इज गुड फॉर योर बोन्स एज वेल। यहाँ पे मैंने अपना DIY सीमेंट स्टूल रखा है, DIY जूट बास्केट। दिस बास्केट इज फ्रॉम IKEA। ये एक फिडली फिग है जो कि मैं अभी लेके आई हूँ। इसके ऊपर मैंने कुछ फेरी लाइट्स रख दी है। नीचे अगेन एक रग रखा है बिकॉज ब्लू एंड पिंक गोज लाइक गुड। एंड यहाँ पे ये एक प्लांटर है, सेरामिक प्लांटर, बहुत ही बड़ा प्लांटर है ये। सो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे थोड़ा येलो कलर भी रखा है। सो येलो से थोड़ा मैचिंग मैचिंग मैंने रखा है। ये ब्लैक पॉट ही है जो कि नर्सरी से मिलता है, जिसको मैंने येलो पेंट करके रखा हुआ है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। दिस इज नीचे जो आप लैम्प देख रहे हैं, टेबल लैम्प, दैट इज अ DIY। दिस इज अ सेरेमिक प्लांटर, अ डॉल सेरेमिक प्लांटर, जिसपे मैंने एक प्लांट का मिनिएचर वर्जन रखा हुआ है। एंड इसके ऊपर मैंने एक वाटर फाउंटेन रखा हुआ है, बुद्धा वाटर फाउंटेन। आजकल लैडर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, राइट? सो मैंने इसको इस तरीके से यूज किया है। मैंने वहां पे दोहर टांग दिया है एंड माय दोहर इज दैट हैवी कि वो इस लैडर को गिरने नहीं देगी। अगर मैं इस पे कुछ और डाल देती तो ये लैडर शायद गिर जाता, बट सिंस दोहर काफी ज्यादा हैवी है, आप देख रहे हो उसके फोल्ड बहुत ज्यादा हैवी है, सो ये लैडर को गिरने नहीं देगी। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा है बिकॉज अलमीरा है, अलमीरा ओपन करनी होती है तो लैडर तो इजिली मैं शिफ्ट कर सकती हूँ। सो इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं रखा है, उसका मैं प्लेस कभी कभी चेंज करती रहती हूँ। ये था मेरा स्मॉल बेडरूम मेकओवर प्लस टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल मेकओवर किया है मैंने इस बेडरूम को एंड मैंने इसको थोड़ा एयरी रखा है, ज्यादा क्लमजी नहीं रखा है बिकॉज सोने के टाइम ना आपको सिर्फ रिलैक्सेशन चाहिए होती है एंड जब आप ज्यादा चीजें भर देते हो तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगने लग जाता है। यहाँ पे मैंने कोई भी फ्लोर लैम्प नहीं रखा है। अगर आपने देखा हो तो मैंने यहाँ पे DIY टेबल लैम्प्स रखे हैं जो कि अभी मैं आपको नाइट लुक दूंगी इसका, आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे फिर फ्लोर लैम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी इन DIY। छोटे टेबल लैम्प्स जो मैंने यूज किए हैं उनकी वजह से, बिकॉज एक बहुत धीमी धीमी सी लाइट रहेगी।
हियर इज द नाइट लुक ऑफ द स्मॉल बेडरूम मेक ओवर। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए आपको ये बेडरूम मेक ओवर किस तरीके का लगा और क्या आप ये बेडरूम मेक ओवर ट्राई करेंगे। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस। हाउस को डेकोरेट करने के लिए भी आपको अपने में पावर रखनी पड़ेगी। सो अपनी उस पावर को बरकरार रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इन्जॉय द फेस्टिविटीज टू द फुलेस्ट। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।